नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। असीं तुहानू लै के आए हाँ आम आदमी पार्टी के ब्लाक प्रधान जी के कोल। गल करा आम पार्टी किस मुद्दे नू लैके गल करन जा रही है। भजन लाल जी नमस्कार, एबीएन दे सब तो पहला तुहाडा स्वागत है। नमस्कार जी, एबीएन चैनल का मैं आपकी दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करदा, तो मेरे स्रोतियों का भी मैं बहुत धन्यवाद करदा जिहड़े मेरे मैनू समा कढ़ के सुणगे। तो मैं अपनी पार्टी की आवाज़ लोगों तक पहुँचावगा। मैं उन्होंने सारे का दिल दी गहराइया तो बहुत धन्यवाद करता। असं सब तो पहला तुम्हें जानना चाहते हैं भी आम पार्टी के जोड़े मुद्दे की होने चोणा ने, जो चोण 14 फरवरी होनी सी वो हम 20 फरवरी हो जा रही ने, उन्हें किस मुद्दे का चोन लड़ी है, भी मुद्दा की रहेगा। मैं आम आदमी पार्टी का पहला कुछ उद्देश्य साझा करदा कि आम आदमी पार्टी भ्रिष्टाचार के खिलाफ एक संघर्ष के निकली हुई पार्टी है। उस पार्टी का जोड़ा मुख्य उद्देश है वह हिंदुस्तान भ्रिष्टाचार को खत्म करने का पूरा यतन करना है और भ्रिष्टाचार को आखिरी दम तक उन्नी देर तक लड़ांगे जिन्नी देर तक जोड़ा भ्रिष्टाचारी जोड़ा कौन है ये जोड़ा समाज में खा रहा है और जोड़ा समाज में तरक्की के सब तो व्डा रोड़ा भ्रिष्टाचार उन्होंने खत्म करने असी उपरला कर रहे हैं। और सानू आस है कि साढ़े जोड़े राष्ट्रीय साढ़े अध्यक्ष है केजरीवाल साहब वो इन्हों पूरा करने आपका अहम रोल निभा रहे हैं और असी सारे जल्द जान के नाल असी इस नाल लगे हाँ। दूसरा साढ़ा एक उद्देश यह भी है कि जी राजनीति है वह कुछ घराणियों के ही रह गई है, उन्होंने प्यो पुत दादे रिश्तेदार पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार उ राजनीति दे विच आ रहे। किसी भी समझदार बंदे नूं पढ़े लिखे नूं सियाणे नूं समझदार नूं किसी डॉक्टर नूं किसी इंजीनियर नूं राजनीति दे विच आउण दा आउण ही नहीं दिता जा रहा, जिस करके असीं समझदे हां। तुहानूं रोक दो इह गल करना वी जिवें तुसीं कह रहे हो वी तुहाडे देश भ्रिष्टाचार मुक्त ने, की दिल्ली विच भ्रिष्टाचार खतम हो चुके? दिल्ली विच भ्रिष्टाचार जो कांग्रेस ते भारतीय जनता पार्टी दे टाइम सी उह भ्रिष्टाचार उत्थे नहीं है, उत्थे भ्रिष्टाचार लगभग खतम। क्योंकि 3 बारी दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिता है, जो 3 बारी तो बाद भी लगभग खत्म है तो की इस गल की किवें कह रहे हो भ्रिष्टाचार मुक्त राज दे? असीं इस गल वास्ते गरंटी करते हैं क्योंकि भ्रिष्टाचारी अजे तक वह अर्ध सूबा है, पुलिस अंडर नहीं, जिस करके अजे कोई थोड़ी बहुत लगभग कही है वह इस गल दे विच कही है भी जदों पंजाब वर्गा सूबा आम आदमी पार्टी के हाथ आ गया तो फिर असी इस गल की गरंटी करा भी 100% भ्रिष्टाचार नहीं हो सकता। गल की जाए कि पंजाब गरंटी देने वाला कोई लीडर नहीं आम पार्टी को, जिन्या भी गरंटियां आई हैं सारिया दिल्ली तो केजरीवाल जी आके गरंटी दे रहे हैं। देखो जी, दिल्ली तो जो भी केजरीवाल साहब आए वो साढ़े राष्ट्रीय कन्वीनर है, उन्होंने सारी पंजाब की टीम हरपाल चीमा जी पंजाब के प्रधान भगवंत मान जी पूरे जिन्हें MLA सबान आम आदमी पार्टी के वो सारे नाल होंगे है, इकले आके नहीं गरंटी देंगे। ये तो विरोधी पार्टियां वालों उठाया गया एक मुद्दा है, ये सारा ही जो हम 1-2 दिनों आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान कर देना आम आदमी पार्टी ने, जी दूजी पार्टियां कहियां सी भी ये नहीं कर सकते। एक गल की जाए विधानसभा चोणा की, पिछलियां विधानसभा चोणा में संजय सिंह जी ने पंजाब की कमान संभाली सी, चोणा तो बाद इल्जाम लगे थे संजय सिंह ने सीटा बेचिया, ऐलकी राघव चड्ढा जी नूं लाया गया तो ये इल्जाम जनता विच भी लगे ने भी उन्हां वल्लों पैसे लैके सीटां दित्तियां जा रही। देखो जी गल ये है, केजरीवाल साहब वालों बड़ा स्पष्ट रूप दे विच कहा गया एक भी कोई बंदा भ्रिष्टाचार नूं सिद्ध कर दे वे किसे ने पैसे दे के टिकट लई है या पैसे किसी ने ले है सबैत सबूतां वो कर देन पेश कर देन लखां रुपए लावांगा तो फिर मैं लखां कमावांगा। हुण जिथे जा रहे एक दिन दे विच कोई जिहड़े
ਸਾਡੇ ਬਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਟੋਪੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਵਰਾਜ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਵਰਾਜ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਟੋਪੀ 'ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਸਵਰਾਜ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਵਰਾਜ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਸਵਰਾਜ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹੀ ਅੱਜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਜ ਏ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 20-22 MLA ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਪ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਬਣਿਆ, ਲੋਕ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਾਏਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਅੱਧ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਰੁਪਈਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਮਾਨ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਘਾਟੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ, 12 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਲੀ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਪਰੇ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀਰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਪਰੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜੋ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਸਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀਰ ਚੱਲਣ, ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕਾਬਿਲ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਸਰਵੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ
कोई बहुती जानकारी नहीं होंगी भी वह पार्टिया का सर्वे करके की लैके गई है, पर पंजाब जिन्ने सर्वे तुम इतों अंदाजा लगा लो भी पंजाब मुख्यमंत्री का ऐलान करना है तो हिंदुस्तान दे विच पहली पार्टी आम आदमी पार्टी जिन्हें लोगों को रह रही है। लीडर होर भी पंजाब दे विच बहुत ने, नहीं भी कले भगवंत मान जी है, भगवंत मान जी बहुत सीनियर लीडर। अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी की वोट भी पंजाब विच बना दित्ती गई है, शायद उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं जी नहीं उन्होंने जदों पहली बारी मैनू तुसी यकीन करो मैं पंजाब दे लोकां नूं इस गल की बेनती करदा भी यकीन करो जे दिल्ली दे लोकां ने केजरीवाल साहब ते यकीन किया है उन्होंने कह इको गल कही सी बागे पुराने रैली दे विच गल गल इको गल कही सी कि पंजाब दा मुख्यमंत्री होगा सरदार होगा और उहदे ते तुहानूं माण होगा और अज भी उह इस गल दे वास्ते आपदी कमिटमेंट ते पक्के है। इस करके लोगों केजरीवाल साहब से विश्वास करना चाहिए। गल की जाए कांग्रेस सरकार की तो स्थानक विधायक दुरिंदर सिंह कुबाया वालों कहा जा रहा है भी मुख्यमंत्री चन्नी जी जिन्होंने बिजली के रेट घटाते जो कि केजरीवाल तो गरंटी दे रहे हैं मुख्यमंत्री चन्नी ने कांग्रेस सरकार ने बेघरिया कर देते जो कि आम पार्टी तो गरंटी दे रही है इस तक करके विखाता। देखो जी साढ़े एम एल ए साहब कुछ कह असी किसी की मेरी एक भाषा भी मैं किसी आदि जबान देना किसी को नहीं माड़ा पीता क्योंकि हर कोई जनता का चुनिया नुमाइंदा जो मैं किसी की शान के खिलाफ कह तो मैं वह लोगों की शान के खिलाफ कहंगा पर मैं एक गल जरूर कहना भी साढ़े एम एल ए साहब ने 5 साल की गल करनी चाहिए है। लोगों ने 2017 तो लैके 2022 तक 5 साल की सरकार चुनी थी, 4 महीनों वास्ते नहीं चुनी सी, जेडे वायदे इन्होंने किए थे मैं हैरान हूं। पांच पिछले दिनों के पांच इन्होंने मंत्रियों को उदों लाता से भी उन्होंने माड़ी कारगुजारी है, उन्होंने राणा गुरजीत राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी का छड़ के बीजेपी चले गए, बाकी सारे धर्मसोत समेत सारे कांग्रेस वालों टिकटा दित्तियां गई हैं। धर्मसोत जी के उत्ते ऐसी कैटागरी के होण जिहड़े इन्ने वड्डे 60 करोड़ रुपए के घोटालिया के दोष लगे है उन्होंने भी टिकट दी गई है। हुण साढ़े साढ़े ट्रांसपोर्ट मंत्री जी है साढ़े राजा वड़िंग जी पिछले दिनों के उन्होंने बसा रोकिया बादल साहब दियां रोकिया कई कहते कहते इन्होंने बड़ी इस गल का जोर दिता भी असी तां जी जिहड़ी आमदन है ट्रांसपोर्ट की आमदन बड़ी वधाती है। मैं एक सवाल करना चाहना भी 3-4 महीने वास्ते तुसी ट्रांसपोर्ट मंत्री रह गए तुसी क्या भी आमदन वधाती ये तुहाडी गल नाल असी सहमत भी हो जाइए ते रजिया सुल्ताना जी 4 साल उस तो पहला थोड़ा ही समा अरुणा चौधरी जी भी रहे ट्रांसपोर्ट मंत्री रजिया सुल्ताना जी 4 साल के करीब समा यह लुट का शिकार ट्रांसपोर्ट जी लुट का शिकार होंगी रही उन्होंने तुम फिर मंत्री लाता। मैं एक मिनट मेरा मेरा सवाल प्लीज पूरा उन्होंने तुम फिर लाता उन्होंने सजा की दी गई जिन्होंने पंजाब के ट्रांसपोर्ट की घोटाला किया उन्होंने सजा की दी गई कोई मुलाजम जोड़ा गलती करता है उस मुलाजम सजा दी जाती है पर इतने उन्होंने मंत्री ला के राजा जी बन गए उन्होंने होर मंत्री ला के होर बनाता हूँ टिकट फिर उन्होंने पक्की क्योंकि कांग्रेस का ना जो करप्शन पार्टी रख दिता जाए तो मैं लगता है ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग का यह भी कहना है दिल्ली सरकार केजरीवाल सरकार ना मिली है क्योंकि जो एयरपोर्ट बसा जाती है उसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिलने की बड़ी कोशिश की उन्होंने बड़िया चिट्ठिया लिखिया उन्होंने दिल्ली उन्होंने कोठी बाहर धरना भी लाया और जो पंजाब आए तो होटल के भी उन्होंने घेरा गया उन्होंने घेरिया नहीं गया उन्होंने मिलने का समा लिया और बड़े वधिया ढंग दे नाल मिली और उन्होंने इज्जत की उन्होंने हर गल सुनी इको ही एक मुख्यमंत्री जो हर विरोधी धिर की गल सुनता है इतने कौन सुनता है जी विरोधी धिर की गल इतने विरोधी धिर जो मौजूदा नगर कौंसल प्रधान ने एडवोकेट सुरेंद्र सलेवा उन्होंने कहना भी वार्ड नंबर एक जो आम पार्टी के तहे घर के पार्षद ने अभी 1 करोड़ 45-47 लाख मैं ध्यान देना चाहना इतने तक भी मैं ये चाहना भी कल लोग फतवा देंगे आम आदमी पार्टी कि असी इस गल की गरंटी करते हैं किसी की रोटी तो किसी की पेंशन के नाल कोई वितकरा नहीं होएगा पर सानू दुख की गल है कि इतने आधार राशन कार्ड बनाने वास्ते भी वितकरा हुंदा रहा। मेरे वार्ड के जिहड़ा बारकोड का नाम दिता गया जिहड़ा कि लाउणा नहीं बनता
क्योंकि पिछले समय में जो कोई राशन कार्ड बनता सी वह बंदा एमसी को आपका फार्म भरता सी एमसी को मोहर लगा जेडे अफिसर है एफसीआई के अफिसर आके घर चेक करते जो लाने योग है तो लग जाती सी एक बार कोड इन्होंने नवी चीज लैके आती। मैं डीसी साहब तक भी यह मंग उठाई मैं इस गल एक भी एक एक सिंगल एक सिंगल भी बार कोड एक नंबर वार्ड नहीं दिता गया जिस करके कोई राशन कार्ड एक नंबर वार्ड का साढ़े थ्रू नहीं बन सकया और गिनती नहीं बन सकी। इस करके जरा राशन कार्ड के पेंशन और उन्होंने घर के भी राशन कार्ड बने जिन्हों घर के बने योग नहीं क्योंकि असी ता करके नहीं क्योंकि ये गल आम आदमी पार्टी से आती है ये किसी का राशन कार्ड असं कटाने के हक च नहीं असी लगाने के हक च हाँ पर सानू इन गलों का पता है कि जेडे घर के बनते नहीं इन्ह लोगों ने उन्होंने भी लवाए और यह भी दोष लगते रहे भी ये जे बार कोड़े विकते रहे स्मार्ट स्कूल बनाए ने जिते की स्कूल बार्डर से कई स्कूल ने जिते कोई अध्यापक नहीं जो स्मार्ट स्कूल ने एलईडी लगी है कंप्यूटर लगे ने। मैं एक सवाल करदा कि पंजाब दे जिहड़े फाजिलका दे जिहड़े साडे बच्चे प्लस टू तो बाहर जाते मैडिकल के नॉन मैडिकल करके जाते कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज फाजिलका दे विच है कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं फाजिलका दे विच। पिछली बार 2017 की जो इलेक्शन हुई थी असी उदो भी डिबेट की सारिया पार्टिया के आगू समान से प्रेस वाले उदो ही सी असी उदो भी यह सवाल किया जो आने वाला समा है जोड़ा भी पंजाब के जी पार्टी सरकार बनती जो इतों का विधायक बनता है क्योंकि पंजाब जेडे फाजिलका का बहुत सारा पैसा जोड़ा कोटे के जाके चंडीगढ़ में जाके और दिल्ली के जाके जो बच्चे पढ़ने जाना पैंता है पंजाब के तो सारा जोड़ा पढ़ने वाला बच्चे सारे माँ प्यो तो दूर बैठे और इतने जी पढ़ाई अद्धे पैसों के पढ़ाई सिर्फ होनी है इतने कोई कॉलेज एम आर कॉलेज इतने कला कॉलेज और मैं अफसोस ना कहना पैंता है भी कल एक चैनल ने साडी डिबेट ली और उत्थे साडे बीजेपी के साथी बैठे से मैं तो इस गल नूं कहिंदा वी इन्हां नूं एक आम आदमी पार्टी एक इह जी नज़र आउंदी इन्हां नूं फोबिया हो गया है भी आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहीदी बाकी भावें सारे इकट्ठे है उन्होंने फाजिलका का नाम नहीं लिया दिल्ली के स्कूलों का नाम लिया जिहड़े दिल्ली के स्कूलों नूं अमेरिका के राष्ट्रपति की घरवाली भी आई तो वह भी हम दिल्ली के स्कूलों में वेख के सिफ्त करके गई भी वाकई दिल्ली के स्कूल है तो इतने एक भी रेगुलर कोई लैक्चर प्रोफेसर नहीं कोई इतने लैक्चरार नहीं इस तू अलावा एम आर कॉलेज कोई हर लेवल की पढ़ाई नहीं बहुत सारे बच्चे जेडे अबोर के पढ़न जाते हैं और चंडीगढ़ के उन्होंने थावान के उत्ते बच्चे जाके पढ़ते अजय कह भी इतने सिक्ख्या का पद्धर प्लस टू तो बाद दस अभी की किया और मैं एक गल होर जरूर कहनी चाहना भी पंजाब के इन्होंने पिछले दिन बड़ा शोशा किया स्कूल बनाते ये करता मैं ये पूछना चाहना कि पंजाब के जो सरकारी स्कूल के पढ़े बच्चे प्लस टू के वह किन्ने बच्चे इंजीनियरिंग के आई आई टी के सिलेक्ट होए तो किन्ने बच्चे एम बी बी एस के नीट का टेस्ट करके क्लीयर हो जरा असी आने वाली डिबेट करा मैं आपके विरोधी पार्टियां कहना कि यह डाटा जरूर लैके आन तो मैं दिल्ली का डाटा लैके आऊंगा कि उत्थे सरकारी स्कूल के पढ़े बच्चे किन्ने उत्थे डॉक्टर बने किन्ने उत्थे इंजीनियर बने लगभग 700 स्कूलों के प्रिंसीपल ही ने और देखो जी गल यह है उन्होंने आता फाजिलका नजर नहीं आता भी इतने प्रिंसीपल है वह इस गल का कारण भी इतने प्रिंसीपल है इतों का गल स्टार्ट कर भी जितों का तुम एम एल ए इतने चुनना है तुम फाजिलका की गल करो पंजाब के सिक्ख्या का इन्ना म्यार नीवा हो गया है 15वें 16वें नंबर से असं पंजाब के नंबर वन पढ़ाई से असं 15वें 16वें नंबर से चले गए पिंड का स्कूल है जिहड़ा कि पूरे पंजाब दे विच पहले नंबर से स्कूल आया जो फुली एसी सरकारी स्कूल है किन्नवीं का जी चानन वाले पिंड दे विच किन्नवीं का स्कूल है प्राइमरी स्कूल है हाँ जिथे एक फुली एसी स्कूल है पंजाब का एक नंबर का मैं कह रहा हूं सिक्ख्या का म्यार मैं कहना जी तुम मेरे नाल चलो मैं तुहानू दिखा देना मैं बिजली बोर्ड दे विच मैं बतौर जेई नौकरी कीती है ते मैं तुहानू इह चल के स्कूल दिखा देना जिथे मीटर नहीं लगे सी इन्हां इन्हां समयां दे विच और टीचर आदे पल्लो पैसे भर के मीटर का जिहड़ा बिजली का बिल आउंदा सी उह आप लवाउंदे रहे अजे तक टाक उत्थे बेंच है नहीं मैं तुहानू लैके चलदा
ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਗਲੀ ਜਾਂ ਨਾਲੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੂਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ ਇੱਥੋਂ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ ਸੀ ਬਣੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਿਖਤੀ ਲੈਟਰ 10 ਲਿਖਤੀ ਲੈਟਰ ਔਰ ਮੈਂ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਲੈਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਲੈਟਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲੀ ਰਜਿੰਦਰ ਆਰੋ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਚਰ ਕਲੋਨੀ ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਦੇਖਣ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਕੰਮ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਬਤੇ ਕਰਕੇ ਰੋਕੇ ਨੇ ਐ ਤਾਂ ਗਲੀ 1.32 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1.32 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬਣੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਲਓ ਜੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜੋ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੂਰਤ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਂਡੇ ਰੱਖਣੇ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਮੂਰਤ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਲ ਪਈ ਸੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਿਰ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਐਮਡੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਚ ਜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਸੀ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਰੇਟ ਦੱਸਤੇ ਸੀ ਉਹ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਤਾਰੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ 3% ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ 3% ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ 4-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-in-1 ਦਾ ਇੱਕ ਬਕਸਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਇਆ ਵੀ 21 ਦੇ ਬਕਸੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੇਬਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ 4 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 1ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਠੇਕੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014-15 ਦੇ ਵਿੱਚ 715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਸਕੇ 7-8 ਵਾਰ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚਿਮਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਫਿਰ 715 ਕਰੋੜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦੀ 1 ਰੁਪਇਆ ਸੂਬਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਧਿਆਨ ਹੈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ
साड़ी शुक्र करन लोग भी आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया ते आम आदमी पार्टी ने साड़े केजरीवाल साहब ने पंजाब दे जड़े आगुआं दे नाल मिल के ए जदों वादा कीता भी सानू आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ असी हर जाति नू असी हर कास्ट नू हर कैटागरी नू चाहे वह जनरल है चाहे वह एस सी है चाहे वह बी सी है हर एक नू असी 300 यूनिट असी महीने दे माफ करांगे सिर्फ एक किलो वार्ड तो कट दी माफी कीती है ते ओ भी सिर्फ एस सी ते बी सी ते बी पी एल नू जनरल कैटागरी दा कोई ना की जनरल कैटागरी दे विच कोई गरीब नहीं जनरल कैटागरी दे विच किसी बिजली माफ नहीं होनी चाहिए केजरीवाल साहब कले है जी हर कैटागरी बराबर लेके चलते है दिल्ली उन्होंने पानी माफ किया उत्तर कोई जात के नाते नहीं किया धर्म के नाते नहीं किया हर एक बराबर किया बिजली बिजली नहीं नहीं मैं कहना बिजली माफ की उन्होंने उत्तर हर एक माफ की दिल्ली के बिजली माफ की हर एक माफ की इतने कोई किसी सिर्फ एस सी पी सी उन्होंने की है और सिर्फ एक किलो वार्ड का ही सिर्फ और एक किलो वार्ड बड़ा थोड़ा थोड़ा होंदा है अजकल दे समय दे विच एक किलो वार्ड का बिल कोई ज्यादा नहीं होंदा एक हरसपाल की मोटर लगा लो पानी डूंगे चले गए ते थोड़े जे स्विच बल्ब लगा लो ते एक किलो वार्ड लोड बन जाता उस तो मैं बहुत सारे जेडे एस सी ते बी सी दे लोग उन्होंने बिजली का बिल माफ नहीं है और इन्होंने एक मैं एक सवाल करना चाहना अकाली दल नूं अकाली दल ने आपके 13-31 प्रोग्राम दे विच ये कहा भी असीं 400 यूनिट पर मंथ देंगे इन्होंने 10 साल राज लिया उदो जनरल कैटागरी से उन्होंने उदो क्यों नहीं याद आया बनाई पर हुण जिहड़ी अकाली सरकार व्यापारियों की सरकार है उन्होंने आ गया बसा भी किन्नियां तो किन्नियां बनाईयां उन्होंने होटल भी किन्ने तो किन्ने बनाईयां आपने जायदादां भी किन्नियां तो किन्नियां वधाईयां हुण राजे जदों व्यापारी बन जाण फिर जनता भुखारी बन जाती अज जनता का हाल यह है और किसानी अंदोलन दे विच भी अकाली दल का जिहड़ा रोल रहा है वह बड़ा ही नैगेटिव रोल रहा है मैं कह देना चाहुंदा कि इन्हां लोकां दे कांग्रेस अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के सताए लोग 1.5 साल सड़कों पर बैठे रहे और इन लोगों के 720 लोगों के जो करीब जोत जो शहीद किसान हुए है वह इन लोगों की देन इन लोगों ने पहला बिल पास कराए थले तो लैके उपर तक वे बादल साहब तो लैके थले सारे छोटे बादल साहब है बी पी हरसिमरत बादल है सारे ने आके बड़ा जोर लाया पंजाब के किसानों नूं इह गल समझाउण दी जतन कीती कि तुहाडे तां दुगणे हो जाणगे तुसीं इह लोक रोला पाउण वाले एक मिनट मेरी गल सुण लो जी इन्हां ने उदों रिजाइन दित्ते जदों इन्हां ने बादल पिंड दे विच 20-30 हज़ार लोकां ने आके धरना लाता ते इन्हां दा पिंडां दे विच वड़ना हो गया बंद फिर इन्हां नूं रिजाइन देण दी नहीं नौबत आई है रिजाइन देण दी इह कित्थे रिजाइन दिंदे सी ਜੇਕਰ ਰਜ਼ਾਇਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਸੀ ਸਭ 5 ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 8-9 ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਉਹ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੱਲ ਗਏ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਿਸ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈਣ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਪਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ
गारंटी करने पंजाब के लोगों हाथ बन के बेनती भी इन्हां तिना पार्टियां दे कहने ना लगन कई कैप्टन वाले कई होर भी आणगे इन्हां पार्टियां दे कहने ना लगन तुसीं इन्हां नूं 70 साल का मौका दिता है असि हथ बन के बेनती करते हैं कि तुम 5 साल का मौका दे दो एक मिनट कर 700 भी किसान शहीद हो किसान वालों भी सीटा मंगेगी तुम्हारे वो सिर्फ 10 सीटा दी जा रही नहीं साडे वालों इस गल का नहीं अपन पता क्योंकि जी गल का अपन पता नहीं आप नहीं करते पर आप एक पार्टी लोग क्यों वोट पाए गल की जाए तो आम पार्टी की मुद्दे लैके की फाजिलका के जो बकाए काम ने जो लोगों तक जाएगी जो कि कांग्रेस का कहना फाजिलका का कोई बकाया काम ही नहीं डिवेलपमेंट के नाम से फाजिलका मोहरी शहर बनाया जा रहा है। मैं इस गल का विश्वास दवाने कि पंजाब दे विच लोग इतबार कर ते मैं इस गल की गरंटी करना कोई बंदा करप्ट नहीं होगा इस गल की गरंटी रेते नहीं विकणगे शराबा नहीं विकणगियां इतने जुए नहीं खेडे जाएंगे इतने लोगों के एक मिनट मेरी मेरी बेनती 5 रुपए मिल रही है देखो जी वो सिद्धू साहब ने आप ही कहता सिद्धू साहब ने आप ही कहता भी नहीं मिल रहा इतने रेते की माइनिंग फाजिलका च वड्डे पद्धर से होंदी रही है ये तुहानू नहीं सारी गल का पता है वड्डे पद्धर से इतने रेते की माइनिंग होंदी रही है साडे सारे ही इतने जिन्ने कांग्रेस के नुमाइंदे है उन्होंने सारे इस गल का पता है भी वड्डे पद्धर से होंदी रही इतने कोई नशा नहीं बेचूगा जेडे इतने रोज के मोटरसाइकिल चोरी होंगे दुकाना चोरी होंगे तुम असं गरंटी करते हैं इस गल की कि सानू सब पता होंगे भी साड़ी गली दे विच केड़ा बंदा की काम करता है असी इस गल की गरंटी करते हैं साढ़े एक बार विश्वास कर लो कोई बंदा साड़ी आम आदमी पार्टी का तुम्हें भ्रिष्ट नजर नहीं आएगा जे कोई दिल्ली के भ्रिष्टाचार होंगे तो यह लोग चक के बेलने में पीट देंगे आम आदमी पार्टी के दिल्ली का केजरीवाल साहब है इतने बंदे ईडी के डरते चाहे मैं किसी का ना लवान ईडी के डरते लोगों ने आत्म समर्पण किया बहुत वे वे घराने जेडे आदि आप कहते ईडी के डरते फाजिलका इस गल का विश्वास दवाने कि जेड़िया इन्हों वालों सड़कों के नाते कहें भी असी विकास किया है सड़कों का अद्धे रेट से इस वो घट रेट से इस वो सड़क वगैरह बन गई क्योंकि असी विचों भ्रिष्टाचार खत्म की सड़क बनानी ना 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 दूजा नंबर गल तो सुनो एक गल पूरी सुनो स्कूल वधिया बन गए MR कॉलेज नूं बहुत वधिया बनाया जाएगा कांग्रेस वालों कहा जा रहा है भी बॉर्डर तक भी स्मार्ट स्कूल बना देंगे तेजा रोहिला जो कि दरिया के पार पाकिस्तान के नाल लगता उत्थे भी स्मार्ट स्कूल तक बना मैं एक गल की बेनती करदा पता उदो लगता जो बंदा प्लस टू तो बाद जाता है उदो बंदे की योग्यता से सारा कुछ पता लगता है मैं इतने गल गरंटी नाल कहना चाहना भी जेडे सरकारी स्कूल के पढ़े बच्चे किन्ने डीट के डॉक्टर बने किन्ने IIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਨਾਉਂਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਚਾਲੂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੇਬਲ ਦਾ ਰੇਟ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੇਬਲ ਦਾ ਰੇਟ ਮੈਂ ਕੱਲ 320 ਰੁਪਏ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਬਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਆ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਦੂਜੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ ਸਭ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਬਣੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗੀ ਕਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਨਪਲਾਈਡ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਚੜਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ
साडे गृह मंत्री तो लैके घर घर जाके पेपर वंटदे उन्हां पूरा जोर लगाता वे मिनिस्ट्री ने और दिल्ली के लोग पूरे इंडिया की क्रीम बैठी उ बंद कर गए क्योंकि इन्होंने इस गल का परम भुलेखा हुंदा है जो भी ये समझ लेती है उदो भी इन्हों बड़ा खतरा नजर आने लग जाता है जो किसी भी स्टेट के चोण आ जा इन्हों बड़ा खतरा नजर आने लग जाता है। इस बहुधर्मी देश है इन दे हर धर्म के लोग रेंगे है इतने हर धर्म का सत्कार करना फर्ज बनता है और साढ़े प्राइम मिनिस्टर हर धर्म का सत्कार करना चाहिए जेड़ा भी साडा प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने हर धर्म का सत्कार करना चाहिए उन्होंने हर धर्म को इज्जत देनी चाहिए है तो फिर ही सिस्टम साढ़े देश का वधिया चल सकता है। यह धर्मां की लड़ाई दूजा जिहड़ा जिहड़ा इन्हां दा होवे वह देश भगत है जो दूजा हो अतवादी पक्षवादी पाकिस्तानी दुनिया भर के लोगों ये शब्द दसते है तो इस करके सारे सर्टिफिकेट इन्होंने तो वंटने नहीं पर किसानों वालों भी आम पार्टी ने जो भी आम पार्टी वालों कहा जा रहा है किसान हितैषी हाँ किसानों वालों भी आदि वक्री पार्टी बन के उम्मीदवार एलाने जा रहे हैं। देखो जी किसान जथेबंदियों की असं दिलों रिस्पैक्ट करते हैं उन्होंने बड़ा व्डा युद्ध लड़िया इदा काम आम आम आदमी पार्टी दिल्ली केजरीवाल साहब तो डर बड़ा लगता है जिथे हो जाए जिथे भी इलेक्शन हुए किसी भी स्टेट के इलेक्शन हुए वह मोदी के नाम पर जो लोग सभा की गल की जाए दिल्ली आम पार्टी ने एक भी सीट नहीं आई कितने दिल्ली के एमपी देखो जी उस समय की गल होती है नवी पार्टी देखो जी नवी पार्टी फिर मैं कहना उस तो बाद इलेक्शन हुए एमसीडी इलेक्शन आम आदमी पार्टी अगे रही है उस तो बाद एमपी तो बाद उ दिल्ली के इलेक्शन हुए है 17 के 63 सीटा उतों जीतियां लोग केजरीवाल पसंद करते केजरीवाल के लोग विश्वास करते हैं पंजाब के लोग भी इस बार विश्वास करेंगे जिन्ने मुलाजम है मैं कहना जिन्ने मुलाजम है जिन्ने पेंशनर है 2016 तो सारी लगभग स्टेटा 2016 तो पे स्केल मिल गए 2015 तो जाम लगाया है डीए का 2000 उदो अकाली भारतीय जनता पार्टी सरकार से उदो तो डीए का जाम लाया इन्नी महंगाई का रेट बढ़ाया है पेट्रोल के डीजल के रेटा इन्नी महंगाई वधी है और लोगों ने इन्ना भरम भुलेखा पैदा इस गल का किया भी यह तो जी कच्चे तेल की कीमतें बढ़िया घटदियां इस करके रेट यह बदे घटते भला हूँ इलेक्शन आ गए हूँ कि रेट स्थिर हो गया यह सब इन्हों की बेईमानी है कंपनियों के नाल रले लोग है जेडे तनाड़ कराने कारपोरेट कराने उन्होंने इन्होंने नफे देने मैं करंट मैं एक गलता मैं कहना मोदी साहब के जिन्हें नीरव मोदी जिन्हें भी ये सारे 25-30 जने सारे अरबा रुपया देश का लेके बाहर चले गए और इन्हों पता तक नहीं लगे और सब मिले हुए अजे तक कह भी असं देश का भला करता देश का तो बेटा गर्क हो गया एक मिनट अज भी मैं एक इन्होंने लोगों के उत्ते मैं सवाल खड़ा करदा आम आदमी पार्टी पंजाब दे विच ये कहिंदी है भी असी पंजाब के जेडे बच्चे होनहार बच्चे है इतने इंडस्ट्री लवोंगे इतने उन्हें रुजगार देंगे पंजाब के बच्चे इतने कले बजुर्ग ना रह जाए इतने पंजाब बच्चे रह प्लस टू करके बाहर ना भजन इस करके उन्होंने रखने की गल है ये दूजे कही जाते कि अभी 10 लाख रुपया उन्होंने बाहर भेजने वास्ते देंगे इसका मतलब पंजाब के उन्हें रखना नहीं चाहते ये तो कहते अभी आईलैट्स भी आपके कोलों करावे अभी बच्चा इतने रहने इनका मतलब बच्चा इतने रहने देता पंजाब का वह सूबा जोड़ा गुरुआ का सूबा है पंजाब का वह सूबा जोड़ा साढ़े शहीद करतार सिंह सराभा का सूबा है शहीद ऊधम सिंह का जिहड़ा साडा पंजाब है भगत सिंह दा पंजाब उत्थे लोग मतलब रहण दे योग ही नहीं। चलो जेकर तुहाडीआं सारीआं गल्लां मन्नीआं जाण तां अंत विच तुसीं एबीएन दे जरिए फाइल का वासियां नूं की अपील करना मैं एबीएन दे जरिए मैं हत्थ बन के फाइल का दे वासियां नूं बेनती करदे आं यकीन करो इन्हां तिन्नां पार्टियां ने पिछली बार भी
फिर इन्होंने धोखा बहुत किया, थले तो उपर तक के रले, एक दूजे दियां वोटां दे विच भी एक दूजे की भाई भतीजावाजे करते हैं, क्योंकि इन्हां दे व्यापार भी सांझे, इन्हां दे कारोबार भी सांझे, एक दूजे की मदद करते हैं। इन्हां दे सारे काम पिछले 2017 दे विच असीं नहीं समझ सके, हुण समझ गए हैं सारे। एक एक बंदे नूं पता है कि ये लोग उपरले तौर पर कट्ठे है, उन्हां कारपोरेट घराणियां दे भाईवाल है। तो इस करके तुहाडे अगे बेनती करते हैं कि असीं भ्रिष्टाचार मुक्त शासन देंगे। एज ए ब्लाक प्रधान मैं इस गल की गरंटी करदा कि साढ़े दो MCA इतों बने, असी गरंटी करते हैं भी 5 साल तक जिनी जिनी तक साड़ी टर्म है, असी यह नहीं कह सकते लोग आगे चुन ना चुन, लोगों के एक पैसा भी जो साढ़े में भ्रिष्टाचार साबित हो जाए तो असी इस गल की गरंटी करते हैं, इस गल का असी वायदा करते हैं। जो असी ईमानदार हाँ तो गल की गरंटी है, फिर साढ़े जे वे साढ़े MLA साहब उन्होंने ईमानदार रहना पैना है, ईमानदार रह के असी सिस्टम चलावे। एक बार इन्होंने पार्टिया की जगड़ तोड़ दो तो उस तो बाद असी गरंटी करते हैं कि ये पंजाब दे विच ओही पंजाब बनेगा, हसला रंगला पंजाब। ये पंजाब दे विच किसे चीज़ की कुदरत ने कमी नहीं छड़ी। पंजाब का जिहड़ा कर्जा 3 लाख करोड़ रुपया इन्हां सरकारां दे गलत नीतियां करके जिहड़े पंजाब दे हर बच्चे दे 1 लाख रुपए तो उपर का जिहड़ा कर्जा आया है, पंजाब लोगों नूं जिहड़ा कर्जा है उन्हों खत्म करने का भी यतन करांगे। और जिहड़े ये जिहड़े लोगों नाल गरंटियां कीतियां केजरीवाल साहब ने, पंजाब के जिहड़े प्रधान जी है, पंजाब के हरपाल चीमा जी साडे हैगे LOP, उन्होंने सारे की असी सारे वालों साढ़े वालों उपर तो लैके थले तक असं गरंटी करते हैं, असी किसी भी आपके वायदे तो अभी भजन वाले नहीं। असी जो वायदा किया है केजरीवाल साहब ने किया हर वायदा तुहाडे पूरा करांगे। और असी सब तो भ्रिष्टाचार के नाल साडी लड़ाई और भ्रिष्टाचार नाल असी अंतम दम तक लड़ा। ये साढ़े नाल भजन लाल जी ब्लाक प्रधान आम आदमी पार्टी फाजिलका का, जिन्हों वालों दावा किया जा रहा है भी ईमानदार प्रशासन दिता जाएगा, ईमानदार नाल राज किया जाएगा, भ्रष्टाचारियों से नत्थ पाई जाएगी, ईमानदार प्रशासन दे के 5 साल लोगों की सेवा की जाएगी। जेकर लोगों ने सेवा ना पसंद आए तो 5 साल बाद बदल दिता जाए, एक बार आम आदमी मौका जोड़ दिता जाए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ABN न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि ABN न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।